हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिमांशी सीजा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं डिटरमिनेंट्स चैप्टर 2। इसी के पहले हम 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं एंड 2.1 के 5 सम्स वी हैव डन। आज हम करेंगे इसके नेक्स्ट सम 6 to 10। बिफोर दिस वी हैव ऑलरेडी डन चैप्टर 1 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। दैट लिंक यू विल गेट इन डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो यू कैन चेक इन प्ले लिस्ट ऑल्सो विद नेम बिजनेस मैथमेटिक्स। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर 2.2। आइए स्टार्ट करते हैं 6 सम से। प्रूव दैट एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी आपको कुछ टर्म्स दी हुई है। मैट्रिक्स क्या है हमारी? 1 1 1, ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू। हमें प्रूफ करना है किसके इक्वल? बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी। हमें इस मैट्रिक्स को इसके इक्वल प्रूफ करना है, ये जो हमें राइट हैंड साइड में दिया हुआ है इसके इक्वल। ओके, अब हमें कुछ नहीं कह रखा कि एक्सपेंड करके करो या विदाउट एक्सपेंडिंग करो, हमारी मर्जी है। हमें क्या करना है, हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ ऑपरेशंस लगा के प्लस करके माइनस करके कुछ जो राइट हैंड साइड हमें चाहिए वैसा कुछ बन जाए। जैसे हमें बी माइनस सी चाहिए, सी माइनस ए चाहिए, तो हम ट्राई करेंगे कि कॉलम्स या फिर रो में या ऐसे प्लस या माइनस करें कि वैसा कुछ बन जाए। कोशिश ये करेंगे, देन लास्ट में अगर एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ी देन हम एक्सपेंड करेंगे। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जो हमें मैट्रिक्स दी हुई है हमें क्या चाहिए? ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए चाहिए। तो जो कॉलम 1 है, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। ठीक है, ये 3 कॉलम है हमारे। तो अगर हम कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस करें और कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस करें तो वही बनेगा कुछ तो जो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए। तो करते हैं, अप्लाई करते हैं हम। कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ये हमें लगाना है ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर हम ये ऑपरेशन लगाए तो क्या होगा? देखो, सी वन इज इक्वल टू सी वन माइनस सी टू। कॉलम 1 में हम कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करें, 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसे कॉलम 2 में 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये हमारा अप्लाई हो गया। ठीक है, अब कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। जैसे हमें ये आइडेंटिटी मिल गई, किसकी आइडेंटिटी आई? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या आइडेंटिटी होती है इसकी? ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी होती है हमारी क्यूब वाली। ठीक है, आइडेंटिटी हम ओपन कर लेते हैं। अगर आपको ये आइडेंटिटीज़ जो भी होती हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई भी आइडेंटिटीज़ याद नहीं है, नहीं समझ आ रही, तो उसका वीडियो भी बना हुआ है आपको, लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप वो वीडियो देखिए ध्यान से कि ये कौन कौन से जो हमारी आइडेंटिटीज़ होती हैं वो कीजिए, देन अगेन इस पर आइए, आपको सारी आसानी से समझ आ जाएंगी। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो ये जो हमारी आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, ये देखिए अप्लाई कर दी। ऐसे यहाँ भी बी क्यूब माइनस सी क्यूब है, ये भी अप्लाई कर दी। ठीक है, अब हम कुछ देखेंगे, कुछ ना कुछ कॉमन है तो हम उसको क्या कर लेंगे, बार कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो कॉलम 1 है ये, या फर्स्ट तो 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं। ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ भी है। तो अगर हम कॉलम 1 में से ए माइनस बी बार ले लें, या ए माइनस बी आएगा आपका, और अगर कॉलम 2 में से हम b माइनस सी बार ले लें, ठीक है, तो b माइनस सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बाकी जो बचा हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, कॉलम 3 एज इट इज, अब हमने कॉमन भी ले लिया। आगे करते हैं, आगे हमें क्या करना है, देखो एक्सपेंड। हमने जहाँ तक कोशिश की हमें हो पाया कि हम एक्सपेंड कर सकें, बार कॉमन कर सकें, कॉमन निकाल लिया। अब हमें कुछ चीज़ें हमारी आ गई, a माइनस बी आ गया, b माइनस सी भी आ गया, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड। आप किसी भी रो को कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हो, बट उसको कोशिश करो जिसमें जीरो ज़्यादा है, ताकि आपका आसानी से हो सके।
तो अब किसको एक्सपेंड करेंगे, रो वन को एक्सपेंड करेंगे, ए माइनस बी, बी माइनस सी, तो एस जी पहले से ही था, ठीक है। बाकी करते हैं, देखो ये जीरो है हमारी, ये भी जीरो है, मेन तो इसका होगा। देखो इसके सामने वाली रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, बाकी को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई की, हमारा ये आ गया। अब इसको बस हमने जो कटता है वो काट देंगे, बाकी ऐसे लिख देंगे, 20 स्केयर से 20 स्केयर कट हो गया, बाकी हमने ऐसे लिख दिया। अब हमने C²-A² पहले लिख दिया, BC-AB बाद में, ताकि हम कॉमन वगैरह ले सकें। तो फिर हमारी आइडेंटिटी आ गई, किसकी आ गई, A²-B² की, क्या होती है, A-B A+B, ये हमारी आइडेंटिटी होती है A²-B² की, ठीक है। वही चीज हमें पूछ रखी है, क्या है, C²-A², तो C-A, C+A, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा हमारा, बी, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो अंदर क्या रहा हमारा, C-A। इस पूरे में क्या कॉमन है हमारा, C-A यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बाहर ले लेते हैं, टेकिंग C-A कॉमन, ठीक है। बाकी क्या रहा फिर हमारा, C+A+B, बस यही चाहिए था हमें, B-C, C-A, A-B, A+B+C, यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था, और हमारा निकल गया। आप ये आगे पीछे भी राइट कर सकते हो, जैसे अब अगर आप कहोगे A-B तो आगे था, तो हम आगे पीछे भी इसको राइट कर सकते हैं, A-B आगे है, यहाँ भी राइट कर सकते हो, B-C पीछे, तो आप आगे भी राइट कर सकते हो, मल्टीप्लाई में आगे पीछे करने का कोई आपका गलत नहीं माना जाएगा। लाइक देखो 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा, तो अगर आप 3 मल्टीप्लाई 2 भी लिखोगे तो एक ही बात है ना, फॉर दिस। ओके, आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, अगर आप किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है, तो पहले वो वीडियो देखिए जो आपकी पहले हो चुकी है, Chapter 1, क्योंकि उसमें आपका बेसिक आएगा, अलजेब्रा क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स क्या होता है, और इससे पहले वाले जो सम्स हैं, एक्सरसाइज है, वो भी कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको ये आसानी से समझ आ सके। ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं, सेकंड, सिक्स सम का सेकंड पार्ट, इसमें मैं देखते क्या पूछ रखा है, एक्स है, फिर वाई, देन जेड, x²y²z² x³y³z³, ठीक है। अभी हमें मैट्रिक्स ही हुई है, इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है हमें, xyz, x-y, y-z, z-x। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हमें क्या चाहिए, एक तो हमें xyz चाहिए मल्टीप्लाई में, है ना, और हमें माइनस चाहिए, x-y, y-z, तो हम क्या करें, हम कॉमन ले सकते हैं। देखो फर्स्ट कॉलम ये है, इसमें तीनों में एक्स है, इसमें वाई है, इसमें जेड है, तो फर्स्ट कॉलम से एक्स ले लें कॉमन, ये आ गया, सेकंड कॉलम से वाई ले लें, थर्ड कॉलम से जेड ले लें, बाहर आ गया XYZ, है ना। बाकी जो रहा हमने अंदर ऐसी चीज लिख दिया, एक्स बार आ गया, ये वन रहा, X² में से एक एक्स बार तो क्या रहा, एक्स, ऐसे ही X³ में से एक एक्स बार आ गया तो X², ऐसे ही हमारा तीनों फाइंड आउट हो जाएंगे। अच्छा, XYZ तो निकल गया, और क्या चाहिए हमें, x-y, तो अगर हम कॉलम 1 में कॉलम 2 माइनस कर दें, कॉलम 2 कॉलम 3 माइनस कर दें, तो वही आएगा हमें जो चाहिए, तो माइनस करते हैं, ऑपरेशन हमने अप्लाई किया, तो 1-1 0, x-y, x²-y², फिर 1-1 0, y-z, y²-z, x²-y² मीन्स x-y, x+y, है ना। ऐसे वाई की भी दे रखे हैं, y²-z² है, तो क्या बनेगा हमारा, y-z, y+z, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, हमने ये जो आइडेंटिटीज थी वो ओपन कर ली सारी की सारी, ठीक है। अब देखते हैं कुछ कॉमन है, कॉलम 1 में देखो x-y दोनों जगह है, एक में तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप ले सकते हो बाहर, तो कॉलम 1 में से x-y बार आ गया, कॉलम 2 में से y-z आ गया, बाकी जो भी रहा हमने ऐसे राइट आउट कर लिया इसके अंदर मैट्रिक्स में, ठीक है। आगे देखते हैं हम,
आगे बस हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड ही करना है। रो वन से करेंगे क्योंकि इसमें क्या है, जीरो ज़्यादा है ना। रो वन से एक्सपेंड करेंगे, ये जीरो है, ये भी जीरो, वन का करते हैं, है ना। वन के सामने वाला रो और कॉलम छोड़ दिया, इनकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ये ऐसे भी कर सकते हो, वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई। फिर हमने इसको आइडेंटिटीज में खोल लिया, बाग प्लस है यहाँ, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये हमने कर लिया। आगे बस देखो, यहाँ से वाई से वाई कट गया, क्या बचा हमारा, जेड माइनस एक्स, यही चाहिए था हमें। एक्स वाई जेड पहले से था, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स हमारा रह गया, तो वो पाए क्या। बस हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ ही करना होता है, सिर्फ कोई ऑपरेशंस लगा लो, फिर लास्ट में एक्सपेंड भी कर सकते हो, बट आपने राइट हैंड साइड को देख के उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन लगाने हैं। वहाँ उसके अकॉर्डिंग अगर आपका प्लस की नीड है तो प्लस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई की नीड है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, माइनस कुछ भी ऑपरेशन आप लगा सकते हो, बट फर्स्टली आपको राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑपरेशन लगाओ। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ये आपकी क्या दे रखी है, मैट्रिक्स। किसके इक्वल प्रूफ करना है इसको आपने, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, ठीक है, और क्या है, वाई जेड जेड एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये हमें चाहिए राइट हैंड साइड में। तो देखते हैं क्या ऑपरेशन लगाए। फर्स्ट तो वही हमें एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड समथिंग चाहिए, तो क्यों ना कॉलम पे ही लगाया ऑपरेशन, कॉलम वन माइनस कॉलम टू, कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री, ठीक है, लगाते हैं यहाँ पे एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसी कॉलम टू पे वाई माइनस जेड, वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, कॉलम थ्री हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब करेंगे कॉमन के लिए कोशिश ही, कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। ऐसे यहाँ एक्स माइनस वाई है, यहाँ यहाँ आइडेंटिटीज लगाएंगे, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ देखते कॉमन क्या आएगा अपना, जेड बार कॉमन आ गया, वाई माइनस एक्स अंदर आ गया, ऐसे कॉलम टू में भी, कॉलम टू में भी वाई माइनस जेड है, यह आइडेंटिटी आप ओपन ये कर सकते हो, या मैंने नहीं राइट किया हुआ, आप यहाँ पे एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई राइट कर सकते हो, और इसकी जगह वाई प्लस माइनस जेड, वाई प्लस जेड राइट कर सकते हो। ओके, और थर्ड वाली रो में क्या करोगे, अब इसी में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, एक्स बार ले लिया, अंदर कह रहा है जेड माइनस वाई। अब देखो कॉलम वन में से एक्स माइनस वाई बार आ जाएगा, कॉलम टू में से वाई माइनस जेड, ठीक है। अगर हम कॉलम वन में से एक्स माइनस वाई लें, यहाँ वन रहा, यहाँ देखो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई था, एक्स माइनस वाई तो बाहर आ गया, अंदर क्या रहा, एक्स प्लस वाई, है ना, ऐसे ही यहाँ जेड तो आएगा ही आएगा। अच्छा, हमने बाहर लिया एक्स माइनस वाई, यहाँ क्या है, वाई माइनस एक्स, इसका मतलब माइनस का वन कॉमन आएगा, तो क्या हो गया, माइनस जेड। ऐसे कॉलम टू में वाई माइनस जेड बाहर आ गया, तो अंदर कह रहा है वन वाई प्लस जेड और माइनस एक्स, कॉलम थ्री हमने एज इट इज लिखा। अब आगे देखते हैं, और क्या चाहिए हमें, वाई माइनस जेड समथिंग कुछ चाहिए, और क्या चाहिए, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड तो आ गया। अब अगर हम कॉलम वन पे अगेन ऑपरेशन लगाएं, आप लगा सकते हो, इसकी में कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी आप लगा सकते हो एक के ऊपर, सी वन माइनस सी टू, वन माइनस वन जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, की करते हैं हम एक बारी, एक्स प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, तो वाई से वाई कैंसिल, क्या बचा हमारा, एक्स माइनस जेड, देखो ये लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ भी माइनस जेड, माइनस हम क्या कर रहे हैं, कॉलम वन माइनस कॉलम टू, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ, प्लस, इसलिए क्या लिखा हमने, प्लस एक्स, कॉलम टू कॉलम थ्री एज इट इज, ठीक है। आगे नेक्स्ट करते हैं, आगे देखो जेड माइनस एक्स हम क्या ले लेंगे, कॉलम वन से कॉमन, कॉमन लेंगे तो जेड माइनस एक्स भी बाहर आ गया, बाकी समथिंग हमने सेम लिख दिया, जहाँ से जेड माइनस एक्स बाहर आ गया तो वन रहा, ठीक है।
अब जेड माइनस एक्स हमारा बाहर आ गया, बाकी हमारा अंदर रहा, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सपेंड। एक्सपेंड हमने किया रो वन को, तो रो वन में देखिए जीरो एज इट इज, तो यहाँ क्या आएगा माइनस वन, इसके सामने वाली कॉलम और रो छोड़ के। बाकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वन मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस वन मल्टीप्लाई जेड स्क्वेयर, ये आ गया आपका, ठीक है। ऐसे ही जेड का भी करेंगे, प्लस जेड फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस माइनस वन वाई प्लस जेड, ठीक है। बस इसको हमने सॉल्व भी करना है, फिर जो कटते काट देंगे, देखो यहाँ कटा हुआ है, सॉल्व करके फिर हमारा वही बना जो हमें चाहिए, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ओके आगे नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। हमें यहाँ भी मैट्रिक्स दी हुई है और हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में जो भी हमें दिया है उसके इक्वल। अच्छा हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, क्या क्या चाहिए हमें? अच्छा हमें ए माइनस बी चाहिए, बी माइनस सी चाहिए और सी माइनस ए चाहिए, एंड अगेन और भी कुछ चाहिए, वो क्या है, ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके तो ऑपरेशन क्या लगाएं हम, हमें ए माइनस बी चाहिए। अच्छा ए सारा यहाँ पे है हमारा, ऑलमोस्ट यहाँ पे, बी ए रहा सी ए रहा, तो यहाँ कॉलम की जगह है किसका लगाएंगे ऑपरेशन, रो का। कॉलम का क्यों नहीं लगाया, देखो कॉलम का कब लगता, अगर यहाँ ए होता यहाँ बी कुछ होता तब, है ना। अब यहाँ ए है यहाँ बी है, तो मतलब रो पे लगाना पड़ेगा ऑपरेशन, रो वन माइनस रो टू, रो टू पे क्या लगाएंगे, रो टू माइनस रो थ्री, तो ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी सी माइनस सी, ऐसे ही रो टू पे भी बी माइनस सी, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, सी ए माइनस ए बी। ओके अब फिर हमें वही आइडेंटिटी ओपन करनी है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, सी बार आ गया बी माइनस ए एस रहा, ऐसे ही रो टू में भी बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर है बी माइनस सी बी प्लस सी, और ऐसे ही यहाँ ए कॉमन आ गया सी माइनस बी एस, ये सब हमने कर लिया। अब बस ये हमें कॉमन लेना है, क्या लेंगे कॉलम कॉमन, ए माइनस बी फर्स्ट रो से ले लेंगे, बी माइनस सी कहाँ से ले लेंगे, रो टू से। ओके तो देखिए क्या कर रखा है यहाँ पे, ए माइनस बी रो वन से ले रखी है कॉमन, बी माइनस सी कहाँ से ले रखी है, रो टू से, बस हमने वही बार ले लिया, उसकी जगह वन वन हमने सारा कर लिया, ठीक है। अब अगेन कोई ऑपरेशन लगा सके तो देखो रो पे ही लगा हुआ है, रो वन माइनस रो टू, वन माइनस वन जीरो, क्योंकि हम कोशिश करेंगे जीरो तक पहुंच जाए, है ना। ए प्लस बी माइनस सी, माइनस सी माइनस माइनस प्लस प्लस ए, अब जो कटता है काट देंगे, बाकी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब अगेन ऑपरेशन लगाने के बाद जो कटता है हमने काट दिया, देखो ठीक है, बाकी ऐसे लिखा। अब देखो सी माइनस ए हम कॉमन ले सकते हैं रो वन से, इसलिए तो हमने अगेन ऑपरेशन लगाया था, देखो सी माइनस ए अगर यहाँ से बाहर आ गया तो यह क्या रहेगा, माइनस वन माइनस वन। अच्छा अब आप पूछोगे ए माइनस सी क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, देखो हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था, सी माइनस ए ही चाहिए था, इसीलिए हमें सी माइनस ए कॉमन लेना पड़ा, अंदर क्या रह जाएगा माइनस वन, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमने क्या करना है, एक्सपेंड ही करना है, एक्सपेंड करके देखो हमारा राइट हैंड साइड का इक्वल बन गया, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए देन ए बी बी सी सी ए, यही चाहिए था हमें, बस बाद में हमें एक्सपेंड ही करना होता है, रो को कर लो कॉलम का कर लो, जो आपके जीरोज है, एक जीरो है या फिर दो जीरो भी है, जो आप करो, ठीक है, ताकि आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सको, सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि आप इजीली कर सको। ओके आई होप आपको हर एक चीज़ इजीली समझ आ रही होगी। ओके आगे करते हैं कंटिन्यू इसको, सेवन्थ सम, सिक्स सम के हमारे फोर्थ पार्ट थे हमारे हो गए, सेवन्थ करते हैं। यहाँ हमें जीरो के इक्वल प्रूफ करना है मैट्रिक्स को, तो हम कोशिश हमारी ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस बन जाए, है ना। अगर जीरोस बन जाए या फिर किसी रो या दो कॉलम सेम बन जाए तो जीरो ही होगा, है ना, ये तो हमने पहले किया हुआ है, तो करते हैं। तो हम ऑपरेशन लगाते हैं पहले रो पे, रो वन माइनस रो टू, ऐसी रो टू माइनस रो थ्री, हमने ऑपरेशन लगाया तो हमारा ये बन गया, ठीक है। तो हम कोशिश करें कुछ कॉमन आ, जैसे यहाँ ए माइनस बी है, या भी पास पास कर लेते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को, फिर यहाँ
सी ए माइनस बी सी, ताकि यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी, यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा तो हम बाहर निकाल सकते हैं। ओके तो करते हैं, देखिए हमने ए माइनस बी रो वन से बाहर ले लिया, बी माइनस सी रो टू से ले लिया, बाकी हमने एस डी लिख दिया जो बचा। ठीक है, अब ये देखो एक्सपेंड कर रखा है किसे, सी वन से। देखो क्यों किया सी वन से, जस्ट बिकॉज ये जीरो से ज़्यादा है, ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सको। कर आप रो वन से भी कर सकते हो, तब भी आपका सेम एस डी सी आएगा आंसर, कोई से अलग अलग नहीं आएगा। बट जस्ट बिकॉज ताकि हमें ईजी हो कैलकुलेशन में, हम जीरोस वाला एक्सपेंड करते हैं। यहाँ कॉलम वन में टू जीरोस हैं तो ये करते हैं, तो यहाँ तो जीरो जीरो है, वन से स्टार्ट करते हैं प्लस वन। इसके सामने वाला रो और कॉलम छोड़ दिया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, जो कटते देखो काट दिया, देखो जीरो ही बना अंदर, बाहर कुछ भी हो अंदर मल्टीप्लाई में देखो जीरो अगर आ गया तो जीरो ही होगा। हमें प्रूफ ही करना था कि हमें क्या करना था, इस मैट्रिक्स को जीरो के इक्वल क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके आइए नेक्स्ट करते हैं सेकंड। यहाँ देखो क्या दे रखे, हमें मैट्रिक्स सी हुई है एंड इसको इसके इक्वल प्रूफ करना भाई। तो मैट्रिक्स क्या है, रीड आउट करते हैं, एक्स प्लस लैम्डा है ना, ठीक है लैम्डा का, तो एक्स प्लस लैम्डा एक्स 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 प्लस लैम्डा एक्स 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 प्लस लैम्डा, ये हमें दे रखी मैट्रिक्स। हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है इसको, लैम्डा स्क्वायर अंडर ब्रैकेट थ्री एक्स प्लस लैम्डा ब्रैकेट क्लोज, इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो हम ऑपरेशन लगाते हैं कॉलम पे, तो अगर कॉलम वन में से कॉलम टू माइनस कर दे, कॉलम टू में से कॉलम थ्री माइनस कर दे, जो कटता काट देंगे, अगर कुछ लैम्डा या कुछ भी कॉमन आता तो बाहर ले आएंगे। तो करते हैं देखो, एक्स प्लस लैम्डा माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स माइनस लैम्डा एक्स माइनस एक्स, देन कॉलम टू पे भी एक्स माइनस एक्स एक्स प्लस लैम्डा माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स माइनस लैम्डा, जो जीरो बनता जीरो बन गया, जो कटता काट दिया। तो देखो यहाँ भी लैम्डा है सारा, यहाँ भी लैम्डा, तो क्या हम लैम्डा बाहर ले सकते हैं, कॉलम वन से भी आ गए कॉलम टू से भी, तो लैम्डा क्या बन गया स्क्वायर। चलो कुछ तो हो गया हमारा, बाकी करते हैं आगे, हम कोशिश करेंगे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंड कर लेते हैं रो वन से, लैम्डा स्क्वायर तो हमारे पास है ही पड़ा बाहर, बाकी हम क्या करते हैं एक्सपेंड। अब अगर हमने इसको एक्सपेंड किया तो वही वन ये रहा, उसके सामने वाली रो कॉलम छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन जीरो, देन एक्स का भी ऐसे कर लिया। अब इसको हमने सोल्व करके क्या आया हमारा, ये आ गया थ्री एक्स प्लस लैम्डा, यही चाहिए था हमें, बाहर हो लैम्डा स्क्वायर फिर अंदर ब्रैकेट के अंदर एक्स थ्री एक्स प्लस लैम्डा, यही हमें प्रूफ करना था। हमें राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, यही हमें चाहिए था, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, यहाँ भी हमें मैट्रिक्स सी हुई है और हमें प्रूफ करना है कि इसके इक्वल एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी हमें वही ऑपरेशन लगाने हैं। तो कोशिश करते हैं रो में, क्यों रो में कर रहे हैं, देखो अगर रो में करें फर्स्ट रो में एक्स प्लस ए, रो टू में ए है तो वो कट जाएगा कुछ ना कुछ, तो रो वन माइनस रो टू माइनस रो थ्री, हमने ये ऑपरेशन लगा दिया तो कुछ कट के हमारी कुछ चीज़ें रहेगी। तो देखिए रो वन में सारा एक्स है, रो टू में भी एक्स है हमारा, तो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, रो वन से भी एक्स आ गया रो टू से भी, तो एक्स स्क्वायर तो हमें चाहिए था वो बन गया, बाकी ये करेंगे एक्सपेंड। बाकी जो हमने एक्सपेंड किसको किया, रो वन को, आप कॉलम वन को भी कर सकते हो, मैं गेन कह रही हूँ किसी को भी कर सकते हो, रो को कॉलम को, या देखो कॉलम वन में भी जीरो वैसे तो वहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये रो वन से किया तो हमारा आंसर वही आ गया जो हमें चाहिए था, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी अंदर और बाहर क्या चाहिए हमें एक्स स्क्वायर, वो हमारा फाइंड आउट हो गया। आगे नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। अच्छा भाई मैट्रिक्स यू है भाई, यहाँ भी प्रूफ करना भाई हमें फोर ए बी सी के इक्वल, तो इसका मतलब हमें यहाँ बी ए चाहिए बी चाहिए सी चाहिए, चार बार ऐसे कुछ। तो हम ऑपरेशन लगाते देखो रो पे ही, अगर हम रो वन में से माइनस करें रो टू रो थ्री प्लस करके फिर, देखो यहाँ रो वन में बी प्लस सी है, यहाँ बी और सी अलग अलग है, तो इन दोनों को प्लस करके फिर हम
रो 1 में से माइनस कर दे तो कुछ बनेगा ऐसा ही, तो ऑपरेशन लगा दिया हमने, रो 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट रो 2 प्लस रो 3 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो वही करते हैं, बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, ए माइनस ब्रैकेट सी प्लस ए प्लस सी, ए माइनस ब्रैकेट बी प्लस ए प्लस बी, हमने ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। जो कटता है इसमें काट देंगे, तो जो चीज़ हमारी कट दी, कट के हमने काट दी, बाकी फिर हमने एक्सपेंड कर लिया भाई। अब यहाँ 0 बन गया तो एक्सपेंड कर लिया, देखो किसे, रो 1 से एक्सपेंड कर लिया, देखो हमने 0 एज इट इज, माइनस होता ही है हमारा सेकंड में, -2c है, बाकी वही रो कॉलम छोड़ के हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो ये सब काट, जो कटता है काट दिया, जो नहीं कटता देखो ABC थे, 2ABC ये रहा, 2ABC ये रहा, तो क्या बन गया हमारा 4ABC, यही चाहिए था हमें। देखो बस हमें राइट हैंड साइड में थोड़ा सा देखना है कि हमें चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑपरेशन लगाने हैं। आगे करते 8th सम, 8, 9, 10, बस 3 सम सॉल्व करने हैं हमें, ओके। यहाँ भी हमें प्रूफ, प्रूफ वाले ही हैं ऑलमोस्ट के सारे सम, मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सी रो में या क्या कॉलम में क्या अप्लाई करूँ मैं ऑपरेशन, तो हमें क्या चाहिए राइट हैंड साइड में पहले देखते हैं। अच्छा हमें एक तो एक्स प्लस टू चाहिए और x-1 का होल स्क्वायर चाहिए, तो करते हैं देखो। तो अगर हम रो 1 में से रो 2 माइनस कर दे और रो 2 में रो 3 माइनस कर दे, रो 1 ये रहा, रो 2 हमारा ये रहा, है ना, तो x-1, 1 माइनस x, 1 माइनस 1, 0, ऐसे ही 1 माइनस 1, 0, x-1, 1 माइनस x, रो 3 एज इट इज। अब देखो x-1 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से भी यहाँ से भी, अगर हम रो 1 में से x-1 बाहर लें तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ -1 क्यों, देखो हमने एक बार कॉमन लिया x-1, अंदर क्या हमारा 1 माइनस x, तो अगर -1 कॉमन लिया हमने, -1 रहा तभी बनेगा ना ये 1 माइनस x, बाकी 0 ही है, ऐसे ही रो 2 में से भी कर लेंगे। अच्छा x-1 का होल स्क्वायर तो हमारे पास आ गया, अब बस आके हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। देखो आपको एक्सपेंड करके दिया हुआ है, एक्सपेंड करोगे तो x+2 भी आ गया, यही हमें चाहिए था, है ना। आगे 9th करते हैं, 9th में भी वही हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है देखते हैं, मैट्रिक्स जो है हमारी और किसके इक्वल प्रूफ करना है हमें, 3ab-a³-b³-c³। अच्छा अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करें, अच्छा एक तो हमें क्यूब चाहिए और क्या चाहिए हमें, 3ab चाहिए। अच्छा रो 1 में क्या दे रखा है, b+c है, a-b है, a है, रो 2 में हमारा c+a है, b-c b है, और रो 3 में हमारा a+b c-c है, तो इससे तो कुछ नहीं बना। कॉलम से देखते हैं, कॉलम देखो कुछ कट सकते हैं, देखो फर्स्ट कॉलम में b+c है, सेकंड में a-b फिर a, तो कुछ ना कुछ तो कट जाएगा। तो अगर हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को प्लस करें और उसमें कॉलम 3 माइनस कर दें तो कुछ ना कुछ हमारा कट जाएगा, कुछ बन जाएगा, तो b+c+a-b-a, देखो a+a से माइनस से कट गया, +b से -b कट गया, ऐसे ही हमारा सारा ये कॉलम 1 देखो कट रहा है ना। हमारा क्या बना कॉलम 1 का, देखो c a b, हमने कॉलम 2 कॉलम 3 ऐसे से लिख दिया। अब लगाएंगे कॉलम 2 पे ऑपरेशन, कॉलम 2 पे क्या लगाएंगे, कॉलम 2 -कॉलम 3, वहाँ भी जो कटता है देखो काट दिया, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी, बाकी ऐसी चीज, फिर वही हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड कर दिया। देखो एक्सपेंड वही करेंगे, रो 1 से कर लो चाहे कॉलम 1 से कर लो, रो 1 से किया फर्स्ट सी ऐसी चीज, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस होता है सेकेंड में, माइनस पहले से भी है, -, -, +b, बाकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डन सी वाला भी, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया और हमारा क्या बना, 3abc-a³-b³-c³, ओके। हमने जो भी राइट हैंड साइड चाहिए था हमारा एक्सपेंड करने से ही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं लास्ट हमारा 10th, अच्छा शो दैट फर्स्ट रो है a-b-c, देन 2 है 2a, रो 2 2b-b-c-a 2b, रो 3 2c, 2c, c-a-b, किसके इक्वल हमें प्रूफ करना है, a+b+c का
क्यूब, हमें क्यूब के इक्वल प्रूफ करना है, तो कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं ए प्लस बी प्लस सी आ जाए। तो अगर हम रो वन में रो टू और रो थ्री प्लस कर दें, तो देखिए ए माइनस बी माइनस सी प्लस टू बी प्लस टू सी, ऐसे यहाँ भी टू ए प्लस बी प्लस सी, बी माइनस सी माइनस ए प्लस टू सी, टू ए प्लस टू बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी, हमने ऑपरेशन लगा दिया। अब देखो इनको ए प्लस का एज इट इज, माइनस बी प्लस टू बी तो क्या बन गया वन, प्लस का वन बी, माइनस सी प्लस टू सी तो सी, ऐसे ही देखो रो वन हमारी पूरी कंप्लीट बन गई। देखो यही चाहिए था ना हमें, ए प्लस बी प्लस सी हम क्या लेंगे अब कॉमन, तो हमने बाहर कॉमन लिया, यहाँ रो वन में तो क्या बच गया हमारा वन, बाकी एज इट इज है ना। आगे नेक्स्ट करते हैं, अब हम कोशिश करेंगे कॉलम पे अप्लाई कुछ करने की, वन 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 था ना तो ज़ीरो बन जाएगा ना, तो कॉलम वन माइनस कॉलम टू, कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री, यहाँ ज़ीरो आ गए और बाकी हमने कैलकुलेशन कर ली। देखिए यहाँ ज़ीरो आ गई हमारी, और यहाँ भी देखो टू बी माइनस बी ए बी ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे यहाँ भी। तो अगर हम कॉलम वन से और कॉलम टू से दोनों से ए प्लस बी प्लस सी बाहर ले लें, तो देखते क्या बनेगा। कॉलम वन से लिया तो यहाँ ज़ीरो या वन या ज़ीरो या फिर ज़ीरो। अब देखो हमें क्या हमने लिया बाहर ए प्लस बी प्लस सी, तो अंदर क्या रह जाएगा वाई माइनस वन, तो वही रहा माइनस वन या वन। कॉलम थ्री एज इट इज, अब देखो हमें यही चाहिए था ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, अब अंदर इसको हम क्या कर लेंगे एक्सपेंड, एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड किया रो वन को, रो वन को एक्सपेंड किया, अंदर क्या आ गया हमारा वन ही आया सिर्फ। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब को वन से मल्टीप्लाई कर तो वही आएगा, तो हमें यही चाहिए था है ना राइट। तो देखो हमें सिर्फ ध्यान देना राइट हैंड साइड में हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, किसके इक्वल हमें प्रूफ करना है, और हमें लेफ्ट हैंड साइड कैसी कैसी मैट्रिक्स दे रखी है, क्या रो पे ऑपरेशन लगाए तो आएगा या फिर कॉलम पे लगाए तो आएगा, और एक्सपेंड कब जाके करें। तो कोशिश करो एक दो बारी कॉमन आ जाए उसके बाद एक्सपेंड करो, लास्ट में एक आधी जीरोज आ जाए। ओके आई होप आपको सभी अच्छे समझ आ चुके होंगे, और अगर आपको थोड़ी सी भी कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और अगर आपने इसे पहले वाली वीडियोस जो पहले वाले सम्स किए हमने 2.1 के एंड 2.2 के भी और चैप्टर 1 के, कोई भी अगर आपका सम रहता है कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, एंड ऑल्सो उस वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ऑल्सो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।